चलिए फिर से आगे 7/6 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखा है x tan में x dx में इसमें इनवर्स में क्या आ जाएगा दिक्कत नहीं आएगी उससे भी दिक्कत नहीं तो आगे जब पिछले पूरा tan x के लिए दो आगे वाले कुछ भी नहीं ये फार्मूला ही सेम रहेगा सेम ही लगेगा तो मल्टीप्लाई में ये आ गया तो पूछा है सर अजीब से नहीं हो जाएगा tan इनवर्स है इनवर्स का x है अजीब ही है कुछ तो होता नहीं है नहीं नंबरिंग तो यही आएगी ना ये इसके हिसाब से चल रहा है अरे नहीं सर उसका वो इंटीग्रेशन करेंगे अगर मैं ये चलो एक्स पीछे लिखूंगा बाद में उससे पता नहीं ना पता तो इसके हिसाब से देगा वो पहले एक्स बाद में नंबरिंग के इसके हिसाब से है ना फर्स्ट तो यही आएगा अब से बन जाएगा हां बन जाएगा ये तो जल्दी जाएगा अरे नहीं मतलब बोलने में क्या था पर एक्स बाद में होता है लास्ट में पूछ गए भाई कुछ ले आ सही है इसमें इनवर्स वाला पार्ट जो होता हमारा फर्स्ट हो गया और एक्स एलजेब्रिक का सेकंड हो गया इसमें स्पष्ट वाले को क्या लेंगे टेन पहले सेम लिखते हैं क्या करते हैं सेम और फिर एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव और टेन इनवर्स का करेंगे डेरिवेटिव क्या करेंगे डेरिवेटिव और एक्स कर देंगे सेम सॉरी इंटीग्रेशन क्या कर देंगे इंटीग्रेशन टेन इनवर्स के तो सेम चलता रहेगा बेटे और एक्स का इंटीग्रेशन वन है तो पावर क्या लेगी टू बटे टू माइनस टेन इनवर्स एक्स का रहेगी वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे टू डी एक्स आपको बता दूं इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने सेवन क्वेश्चन उसमें ये रूट में आ रहा था तो इसलिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई लैग करना पड़ा आपको लग रहा है सर ये भी तो दिखने में ऐसे लग रहा है लैग करना पड़ेगा नहीं बिना लैग का काम चलेगा बिना रूट में चाहिए इसको टू को तो कर दिया बाहर और इससे वन से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर को तो ये एक्स स्क्वायर पहुंच गया इसके पास और ये हो गया डी एक्स अब क्या कर सकते हैं आप लैग करने जो उतनी बेटे आप इसके साथ एक प्लस वन एक माइनस वन पीछे सीख चुके हमें चाहिए और इस पूरे पार्ट को नीचे वाले को एक बार इसके साथ अलग कर दो और एक बार वन के साथ ठीक है तो मैं अलग अलग कर देता यही से तो ये कर दिया अलग वन करके अलग और माइनस वन बाई टू था ये इसके साथ भी जाएगा माइनस वाला पार्ट था ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक तो क्या आ जाएगा प्लस इंटू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और मैंने कर दिया अलग अलग वन वाला कर दिया अलग और माइनस माइनस प्लस हो गया ब्रैकेट से अब ये तो बढ़ गया वन जो बढ़ गया वन वन कंडीशन आता है और ये बढ़ गया फॉर्मूला टेन इनवर्स वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फर्स्ट चलो एक्स स्क्वायर बाय टू tan इनवर्स x माइनस वन बाई टू ये वन बन गया बेटा क्या बन गया वन कंडीशन क्या होता है x वन बाय टू इसका फॉर्मूला वन बाय ए वन है भाई tan इनवर्स x बाय ए ये भी वन है भाई तो वन हटा दो वन मल्टीप्लाई करूंगा तो से हट जाएगा बेटे और प्लस सी तो इसका फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स x माइनस वन बाय टू x प्लस वन बाय टू टेन इनवर्स x प्लस सी क्लियर है भाई सबको थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में।